स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र बीए फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीए के पहले साल का आपका जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर है उसका हम यूनिट वन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपके यूनिट वन में क्या है, समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र एक विज्ञान, उदय एवं विकास। तो देखिए, आज हमारा बीए की यूनिट फर्स्ट का जो है डे टू है यानी दूसरा दिन है। हमने इसके पहले वाली वीडियो में समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ लिया है। उससे पहले स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपका सिलेबस डाल दिया है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र का। अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता है तो आप जाके सिलेबस देख लीजिए, मेरे चैनल में आपको सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो देखिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में हम इसकी प्रकृति, विषय क्षेत्र एक विज्ञान, उदय एवं विकास स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रकृति की। तो देखिए स्टूडेंट, समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो एक वैज्ञानिक प्रकृति है, यानी समाजशास्त्र एक विज्ञान है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो देखिए, इसकी प्रकृति मैंने आपको बताया वैज्ञानिक है। तो किन किन कारणों से इनकी मतलब की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है यानी समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और किन कारणों से ये विज्ञान नहीं है, इनकी क्या वजह है कि ये विज्ञान है और विज्ञान नहीं है। तो अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग अपने विचार मतलब रखे हैं इसमें कि ये विज्ञान क्यों है और क्यों नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी जो प्रकृति है ना, यहाँ पे आप देखिए आपका एक और टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में ही, एक विज्ञान यानी समाज शास्त्र एक विज्ञान। तो एक विज्ञान है, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। समाज शास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि विज्ञान नहीं है। तो क्यों नहीं है और क्यों है, तो ये जो प्रकृति है हम इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसलिए क्योंकि ये दोनों सेम चीजें सेम है, इसलिए परेशान मत होइएगा कि हमने ये नहीं पढ़ा। पहले आज हम विषय क्षेत्र पढ़ेंगे, इसके बाद विषय क्षेत्र को पढ़ने के बाद हम प्रकृति और एक विज्ञान इसके बाद पढ़ेंगे। तो देखिए, समाज शास्त्र का जो विषय क्षेत्र है बहुत व्यापक है और इसमें ना दो विचारधारा रखी गई है, यानी कि विद्वानों ने दो विचारधारा रखी है। सबसे पहली जो विचारधारा आई वो थी स्वरूपात्मक विचारधारा। तो देखिए, जब एक विचारधारा आई समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की, जब एक विचारधारा आई तो जाहिर सी बात है कि कुछ विद्वानों ने इसको स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ थे मतलब उसमें अपने विचार रखे। और जब दूसरी विचारधारा आई तो इससे क्या समझ में आता है कि कुछ लोग रहे होंगे ऐसे जो इसके साथ नहीं थे, इसके अगेंस्ट थे, इसके खिलाफ थे। तो दूसरी विचारधारा आई, तो पहले हम पढ़ते हैं स्वरूपात्मक विचारधारा, ठीक ना। तो देखिए, जॉर्ज सिमेल, मैक्सवेयर, वॉनविज, वीरकांत आदि ये विद्वानों के नाम है स्टूडेंट। जॉर्ज सिमेल, मैक्सवेयर, वॉनविज, वीरकांत आदि, समाज शास्त्र स्वतंत्र विशिष्ट शुद्ध विज्ञान है। इनका कहना है, ये जो विद्वान हैं इनका कहना है कि समाज शास्त्र स्वतंत्र है, अपने आप में एकदम फ्री है, स्वतंत्र है। इस पे मतलब किसी का जोर नहीं चल सकता। किस पे? समाज शास्त्र पे। ये विशिष्ट है यानी कि समाज शास्त्र एक विशिष्ट है, मतलब इसको ना हर चीज पे मतलब लागू नहीं किया जा सकता, हर चीज को इससे हम नहीं ज्ञात कर सकते। मतलब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर ये लागू होता है और उन्हीं चीजों को हम ज्ञात करते हैं समाज शास्त्र के जरिए, यानी हम समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ये शुद्ध विज्ञान है, यानी इनका कहना है कि समाज शास्त्र क्या है, एक शुद्ध विज्ञान है। इसका उद्देश्य मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है। तो इसका क्या उद्देश्य है, स्वरूपात्मक विचारधारा का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है मानवीय संबंधों का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आप एक जगह रह रहे हैं जिसमें आप रह रहे हैं वो क्या है, वो समाज है।
और समाज में जाहिर है जब आप रह रहे हैं तो आप अकेले नहीं रह रहे हैं, आपके आसपास आपके बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके पड़ोसी रहते हैं, आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपके पड़ोसियों के रिश्तेदार रहते हैं, आपके दोस्त रहते हैं, तो ये सब कुछ मिलके क्या हुआ, एक समाज का एक जाल बनता है और आपका उनसे कुछ न कुछ रिलेशन होता है। कोई आपके दोस्त है, कोई आपके खाला है, कोई आपकी आंटी है, आपके मामा है, ये सब क्या है, एक रिश्तेदारी है, एक संबंध है। तो उद्देश्य क्या है इसका, मानवीय संबंधों यानी ह्यूमन रिलेशन का अध्ययन करना ही इसका काम है। ओके, इसका उद्देश्य है जॉर्ज सिमेल। तो अब देखिए जो जॉर्ज सिमेल है वो क्या कहते हैं अपनी इनकी, देखिए उनका कहना है कि समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विषयों के मध्य अंतर यही है कि यद्यपि यह अन्य सामाजिक शास्त्रों की तरह समान विषयों का अध्ययन करता है। तो जॉर्ज सिमेल का कहना है कि समाज शास्त्र तथा अन्य सामाजिक विषयों के मध्य अंतर क्या है, यही अंतर है कि यद्यपि यह अन्य सामाजिक शास्त्रों की तरह समान विषयों का अध्ययन करता है। इनका कहना है कि समाज शास्त्र जो अन्य सामाजिक विषय हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, मानव विज्ञान, जो भी और भी सारे सामाजिक विषय हैं, उन्हीं की तरह समाज शास्त्र भी समान विषयों का अध्ययन करता है, परंतु एक भिन्न दृष्टिकोण से यह सामाजिक संबंधों का अध्ययन उनके स्वरूपों को सामने रख कर करता है। लेकिन इसका जो दृष्टिकोण है, समाज शास्त्र का जो दृष्टिकोण है, जब वो अध्ययन करता है समान विषयों का, तो इसका जो दृष्टिकोण है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू वो भिन्न है, वो अलग है। क्यों, देखिए क्यों अलग है, जब ये सामाजिक संबंधों का यानी ह्यूमन रिलेशन का जब वो अध्ययन करता है तो उनके जो स्वरूप होते हैं उनको सामने रख कर करता है। मैक्स वेबर, तो देखिए हमने जॉर्ज सिमेल पढ़ा था, अब मैक्स वेबर वो क्या कहते हैं, स्वरूपात्मक विचारधारा में भी यही है। तो देखिए ये क्या कहते हैं, समाज शास्त्र समाज की व्याख्या करना या उसे समझना है, लेकिन सभी मानवीय अंतर क्रियाएं सामाजिक नहीं होती। तो देखिए मैक्स वेबर का कहना है कि समाज शास्त्र समाज की व्याख्या करना या उसे समझना है, क्योंकि देखिए हम समाज शास्त्र के जरिए समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो समाज की व्याख्या करते हैं, उसे समझते हैं कि समाज क्या चीज है, क्या है, लेकिन सभी मानवीय अंतर क्रियाएं सामाजिक नहीं होती। मतलब मैक्स वेबर का कहना है कि जो मानवीय यानी जो ह्यूमन जो काम करता है, जो अपने अंदर उनके जो विचार होते हैं, जो वो सोचता है, जो वो करता है, जरूरी नहीं है कि उसके सभी कार्य, उसकी सभी क्रियाएं सामाजिक हों, मतलब कुछ अलग भी हो सकती हैं। वेबर के मत में समाज शास्त्र का कार्य सामाजिक संबंधों के प्रकारों का वर्गीकरण एवं उसकी व्याख्या करना है। तो अब देखिए वेबर कह रहे हैं, मैक्स वेबर कह रहे हैं कि इनके मत में समाज शास्त्र का कार्य सामाजिक संबंधों के प्रकारों का वर्गीकरण करना, यानी कि सामाजिक संबंध का जो प्रकार है, अलग अलग प्रकार है ह्यूमन रिलेशन के, जो टाइप्स हैं, उनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करता है समाज शास्त्र। उसके बाद जब उसका क्लासिफिकेशन कर लेता है, वर्गीकरण कर लेता है, तो उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाज साथ सामाजिक संबंधों के एक विशिष्ट पहलू, ये क्या है, सामाजिक संबंधों का एक विशिष्ट पहलू है, अर्थात उनके स्वरूपों का अमूर्त दृष्टिकोण से। तो देखिए ये समाज के लोगों का यानी उनके संबंधों का अमूर्त दृष्टिकोण से, यानी जो दिख रहा है उसके दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करता है, न कि मूर्त अवस्था में। मूर्त अवस्था में अध्ययन नहीं करता, अमूर्त अवस्था में अध्ययन करता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, स्वरूपात्मक विचारधारा के बारे में हमने देख लिया कि जॉर्ज सिमेल और मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग क्या है स्वरूपात्मक विचारधारा। तो अब देखिए उसकी क्या आलोचना है, आलोचना है कि ये अमूर्त यानी कि समाज के सामाजिक संबंधों का ये अमूर्त अध्ययन करता है, ये विशुद्ध अन्य सामाजिक विज्ञान सीमित, यानी कि ये विशुद्ध विज्ञान है, अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह ये भी समाज का अध्ययन करता है। जैसे अलग अलग जो और भी सामाजिक विज्ञान है, जैसे स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिलोसफी होगा, ये सब जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये भी समाज का अध्ययन करते हैं, मगर उन्हीं की तरह समाज शास्त्र भी उनका अध्ययन करता है। और इसका जो देखिए समाज शास्त्र जो अध्ययन करता है वो एक सीमित होता है, उसकी आलोचना क्या है, सीमित है। तो अब देखिए हमने स्वरूपात्मक विचारधारा तो पढ़ ली, तो अब दूसरी देखिए समन्वयात्मक विचारधारा।
दुर्खीम, हॉब हाउस, सोरोकिम आदि ये विद्वानों के नाम है। सुनें, दुर्खीम, हॉब हाउस, सोरोकिम आदि यह संप्रदाय समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है, जिसका प्रमुख कार्य विशेष सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक जीवन सामान्य दशाओं का अध्ययन करता है। तो देखिए, ये जो विद्वान है इनका कहना है कि समाज शास्त्र एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। ये समाज शास्त्र को ना एक सामान्य विज्ञान मानते हैं, एक जनरल साइंस मानते हैं, जिसका प्रमुख कार्य क्या है, विशेष सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों के आधार पे, जो विशेष यानी जो स्पेशल सोशल साइंस है, जो सामाजिक विज्ञान है, उनके जो निष्कर्ष निकलते हैं, कंक्लूजन निकलते हैं, उनके बेसिस पे सामाजिक जीवन की जो दशाएं हैं उनका अध्ययन समाज शास्त्र में किया जाता है। सोरोकिन का मत, देखिए मैंने अभी आपको ऊपर ये नाम बताया था, ये विद्वान है, तो इनका क्या मत है, सोरोकिन का मत समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र में निम्न तथ्य होने चाहिए। तो देखिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सोरोकिन के मत क्या क्या है। सामाजिक घटना विभिन्न पहलुओं के तथ्य संबंध का अध्ययन, यानी कि जो सामाजिक घटनाएं होती है उनका अध्ययन विभिन्न पहलुओं तथा उनके संबंध के का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सामाजिक व असामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, यानी कि इसमें सामाजिक यानी जो सामाजिक घटनाएं होती हैं और कुछ ऐसी घटनाएं जो सामाजिक नहीं है, असामाजिक है, उनका भी अध्ययन किया जाता है। तीसरा है सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन, यानी कि इसमें सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उनका सामान्य विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। सो स्टूडेंट, देखिए हमने इसका विषय क्षेत्र भी पढ़ लिया। इसमें दो विचारधाराएं हैं, स्वरूपात्मक विचारधारा और समन्वयात्मक विचारधारा। तो आई होप कि आपको वो भी क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपसे कहा था पहले ही स्टार्ट में कि प्रकृति और एक विज्ञान, जब हम एक विज्ञान पढ़ेंगे तो समाजशास्त्र की प्रकृति भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब वो पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए अब हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र की प्रकृति। तो एक टॉपिक जो है आपका एक विज्ञान, तो वो भी यही हो गया, यही होगा आपका एक विज्ञान, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की तरह ही एक विज्ञान है। देखिए समाजशास्त्र क्या है, जो अन्य विज्ञान होते हैं, जो आप विज्ञान जो आप साइंस पढ़ते हैं, उसी की तरह समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, एक साइंस है, तथा समाज सामाजिक प्रघटनाओं एवं सामाजिक पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। तथा इसमें क्या होता है, समाज का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, एक सिस्टमेटिक अध्ययन किया जाता है। दूसरे दृष्टिकोण के समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति एवं सामाजिक व्यवहार इतना जटिल है कि इनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अभी हम ऊपर पढ़े कि सामाजिक पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो देखिए कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और उसी के मतभेद में कुछ विद्वान कहते हैं कि एक यह विज्ञान नहीं है, समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि दूसरे दृष्टिकोण के समर्थक इस बात पर बल देने की है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति, यानी कि जो सामाजिक घटनाएं होती रहती हैं समाज के अंदर, उनकी जो प्रकृति है वह सामाजिक व्यवहार इतना जटिल है, जो इंसान का बिहेवियर है वो इतना जटिल है कि इनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। जैसे देखिए व्यवहार का मतलब क्या है, एक इंसान का जो मान लीजिए एक आप हैं या मैं हूँ, जरूरी तो नहीं है ना कि मेरा बिहेवियर जो है एकदम एक जैसा रहे, नहीं ना। कभी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, कभी मेरा मूड ऑफ हो सकता है, कभी मैं बस चुपचाप हो सकती हूँ, कभी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, कभी खामोश बैठी हूँ। तो इन सब के आधार पर समाज का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कहा जा सकता। इसलिए वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र की प्रकृति की विवेचना निम्नलिखित है। देखिए समाजशास्त्र की प्रकृति की विवेचना निम्नलिखित है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, समाजशास्त्र में विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतरक्रियाओं, सामाजिक व्यवहार एवं समाज का अध्ययन कल्पना के आधार पर नहीं किया जाता। देखिए समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, जो ह्यूमन रिलेशन है एक दूसरे का,
ये तो हमने बहुत बार आपको बताया है जब से हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है यूनिट वन। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सामाजिक संबंध क्या है, सामाजिक अंतरक्रिया क्या है, सामाजिक व्यवहार क्या है, ये सब हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा है जिसमें हमने समाज शास्त्र का अर्थ पढ़ा है, उसमें मैंने आपको सभी समझा दिया है। तो उनके कहने का मतलब यही कि सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कल्पना के आधार पर नहीं कर सकते, अपितु इसको वास्तविक रूप से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समझने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये बात ध्यान में रखे रहिएगा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें इस बात को कहा जा रहा है कि समाज में इसको वास्तविक रूप से वैज्ञानिक पद्धति उसमें समझने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही उपकल्पनाओं का परीक्षण एवं सामाजिक नियमों या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। देखिए समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में हम पढ़ रहे हैं, तो हमने एक पॉइंट देख लिया, ये दूसरा पॉइंट है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन किए जाते हैं तथा सामाजिक वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिएगा कि हम ये जो पढ़ रहे हैं पॉइंट्स, इनकी क्या हेडिंग पढ़ी थी हमने, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में क्यों है वो हम पढ़ रहे हैं। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र अगर विज्ञान है इसीलिए तो हम इसमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करते हैं और समाज सामाजिक वास्तविकता को यानी समाज को उसके वास्तविकता के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसमें सामान्यकरण करने एवं सिद्धांतों का निर्माण करने के प्रयास भी किए गए हैं। यद्यपि एक आधुनिक विषय होने के कारण इसमें अधिक सफलता नहीं मिल पाई है। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है, इसलिए इसमें वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समाज का अध्ययन किया जाता है और उसकी वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है, और ये एक आधुनिक विषय है इसलिए इसमें अभी अधिक सफलता नहीं मिल पाई है। तो अब यहाँ देखिए, कुछ विद्वानों का विचार है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। अभी तो हमने पढ़ा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, मगर देखिए कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। वो कहते हैं नहीं, विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठा का अभाव पाया जाता है। उनका कहना है कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठा का अभाव पाया जाता है, इसलिए यह विज्ञान नहीं है। तो देखिए रॉबर्ट बेरेस्टेड का कहना है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति वैज्ञानिक है। रॉबर्ट बेरेस्टेड इस बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि जो समाजशास्त्र की प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, यानी कि ये भी इसी बात को कह रहे हैं कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। इसमें इन्होंने निम्नांकित विशेषताओं द्वारा स्पष्ट किया है। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र एक विज्ञान है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो वही हम पढ़ रहे हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं, ये आपकी हेडिंग हो गई। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसकी विषय वस्तु मौलिक रूप से सामाजिक है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसकी जो वस्तु है वो सामाजिक है, अर्थात इसमें समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों तथा अन्य सामाजिक पहलुओं एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से इनका प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है, अतः यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र स्वयं संपूर्ण सामाजिक विज्ञान नहीं है, अति सामाजिक विज्ञानों में से एक विज्ञान है। तो देखिए समाजशास्त्र का सामाजिक विज्ञान है, अर्थात इसमें समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं का ही तो अध्ययन किया जाता है। ये बात हम आपको बहुत बार बता चुके हैं स्टूडेंट, और आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि समाजशास्त्र में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक पहलुओं एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जो इनका प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए विज्ञान अगर नहीं है तो कहना है कि इनका प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है, अतः यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र स्वयं सामाजिक विज्ञान नहीं है, तो मतलब जिनका मानना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, अति सामाजिक विज्ञानों में से एक विज्ञान है, यानी कि जो अति सामाजिक, यानी जो बहुत सारे सामाजिक विज्ञान हैं, जैसे फिलॉसफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपके सारे जो सामाजिक सोशल साइंस हो गए, उन्हीं की तरह ये भी एक विज्ञान ही है।
अब दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, समाज शास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं। स्टूडेंट ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हम इसकी प्रकृति को पढ़ रहे हैं। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह समाज शास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु जैसे समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, प्रथाओं, विश्वासों इत्यादि को देखना या छुआ नहीं जा सकता। देखिए समाज में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, हम उसको मतलब जैसे कि समाज में जो हो रहा है, समाज है मगर आप उसे क्या देख पा रहे हैं? नहीं, मनुष्यों से ही समाज है, मनुष्य है तो समाज है। समाज में जो भी सारी चीजें हो रही हैं हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मगर फील कर सकते हैं। तो क्या है? अमूर्त विज्ञान है, समाज शास्त्र अमूर्त विज्ञान है। उदाहरण के लिए संस्थाओं को हाथ में लेकर नहीं देखा जा सकता। क्या जो भी संस्थाएं हैं, मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, क्या आप उसको हाथ में लेके देख सकते हैं? क्या नहीं ना। और न ही प्रथाओं को तराजू में तोला जा सकता है, आप उसको तराजू में तोल भी नहीं सकते हैं। इसलिए यह मूर्त विज्ञान नहीं है, यह अमूर्त विज्ञान है। तीसरा पॉइंट देखिए, समाज शास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं। ये आपकी हेडिंग हो गई। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह समाज शास्त्र भी घटनाओं का अध्ययन करने करके सामान्यकरण करने या सामान्य नियमों का निर्माण करने का प्रयास करता है। तो सामाजिक विज्ञान क्या कर, सामाजिक विज्ञानों की तरह समाज शास्त्र भी क्या करता है? घटनाओं का अध्ययन करता है, सामान्यकरण करने या सामान्य नियमों का निर्माण करने का प्रयास करता है। अधिकांश समाजशास्त्रियों की यह मान्यता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, क्योंकि इसमें सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओं का ही अध्ययन किया जा सकता है। दुर्खीम, हाभाउस तथा सोरोकिम जैसे विद्वान ने इसे सामान्य विज्ञान माना है। देखिए कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, क्योंकि इसमें जो सामाजिक जीवन है, जो हमारा समाज में जो हम जीवन जी रहे हैं, उनकी घटनाओं का अध्ययन, सामान्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दुर्खीम है, हाभाउस है, सोरोकिन है, इन जैसे विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र विशेष विज्ञान नहीं है, सामान्य विज्ञान है। अब उसके बाद देखिए दूसरी हेडिंग क्या है, समाजशास्त्र तार्किक तथा अनुभाविक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है, क्योंकि इसमें सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों की तार्किक व्याख्या है, क्योंकि इसमें अध्ययन अनुसंधान क्षेत्र में जाकर किया जाता है, पुस्तकालय में बैठकर नहीं। देखिए समाजशास्त्र तार्किक यानी कि सोच विचार, या इसको सोच विचार करना ही समाज में है। जैसे कि हम रहते हैं, हम सोच विचार करते हैं, हम बातें करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। कि अगर आपको किसी भी चीज का, समाज के किसी भी चीज का आपको अध्ययन करना है, तो आप उसको लाइब्रेरी सॉरी लैब में बैठ के नहीं कर सकते, किसी प्रयोगशाला में बैठ के नहीं कर सकते। जैसे कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई भी चीज देखना होता है कि हम इस दोनों केमिकल्स को मिलाएंगे तो क्या बनता है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम समाज में इसका किसी भी लैब में प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं करते। अगर हमें अध्ययन करना है तो हम समाज में जाकर वहां के लोगों को देखकर उनका अध्ययन करते हैं। तो क्या है? समाज शास्त्र तार्किक या अनुभाविक विज्ञान है, अतः यह अनुभवाश्रित भी है। समाजशास्त्र के आधार पर वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया कि समाजशास्त्र यानी कि समाज का अध्ययन हम लैब में बैठ के नहीं कर सकते, समाज में लोगों को देख के करते हैं। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा समाजशास्त्र की प्रकृति, विषय क्षेत्र और एक विज्ञान। तो इन टॉपिक्स को हमने आज पढ़ लिया। और इसके पहले वाली टॉपिक में हमने पढ़ा था समाजशास्त्र का अर्थ। जो आज की वीडियो है वो आपके यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकेंड है। पार्ट वन में समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ा था, अब पार्ट थ्री में पढ़ेंगे हम उदय एवं विकास। तो आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ लीजिए, मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। और उदय एवं विकास की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होने वाला है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।